बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, इसलिए कि हमारे हाथ पांव जो हैं वो हर वक्त बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं चलने फिरने में और हाथ काम करने में, तो हाथों की स्किन ख़राब हो जाती है। इसके साथ साथ हम अक्सर अपनी नेक को भी इग्नोर करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को साफ़ सुथरा, नीट और क्लीन बनाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मिलेगा आपको बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका। बिल्कुल भी महंगे मैनीक्योर या पेडीक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ पांव साफ सूरत चमकते दमकते खूबसूरत रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और सिंपल सा एक तरीका, जिससे चंद मिनट में ही आपके हाथ और पांव जो है ना वो चमकने लगेंगे, सारी गंदगी टैन सब कुछ जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, और जो आपका नेचुरल स्किन टोन है वो निखर के आएगा। उसके लिए आपके पास चीज़ें घर पर ही मौजूद होंगी। मैंने लिया है एक चाय का चम्मच हल्दी, और उसमें मैंने डाला है एक खाने का चम्मच शैम्पू। ठीक है, आपको जितनी ज़्यादा मिकदार में बनाना हो आप इन्ग्रीडियंट्स को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं आपने वही लेना है, कोई एक ख़ास शैम्पू नहीं लेना। ठीक है, उसके साथ इसमें जाएगा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं, वो हर घर में ही मौजूद होता है, वो भी एक चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस भी हमारी स्किन को ब्लीच करता है, स्किन से मैल को, गंध को जो है ना वो एकदम से कट करके बाहर निकाल देता है, और हमारी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है। तो जब भी मैं इसमें लेमन जूस ऐड किया है तो ये एकदम से इस तरह से इसमें इतने सारे बबल्स आए हैं, और बिल्कुल ही ये लाइट हो गया है जो मैंने पैक रेडी किया है। बिल्कुल जब हम जैसे बाज़ार से कोई ब्लीच या स्किन पॉलिश वगैरह फार्मूला लेके आते हैं तो उसको मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी रिएक्शन हुआ है, और ये इस तरह से एकदम से घर में ही हमारा स्किन पॉलिश रेडी हो चुका है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ज़रूर पहले टेस्ट कीजिएगा, फिर ही इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना, आप अपनी नेक पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रंट नेक को, बैक नेक को क्लीन करने के लिए, या छोटे बच्चे जिनके घुटने वगैरह जो है वो ब्लैक हो जाते हैं खेलते हैं अगर मिट्टी में, तो उनको आप नीट करने के लिए उनके पैरों पे, उनके घुटनों पे आप जो है ना इसे लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच टमाटर का रस, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टैन रिमूवल इंग्रेडिएंट है, नेचुरली स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को इंस्टेंट जो है वो ग्लो देता है, तो इसे भी सभी स्किन ब्राइटनिंग रेमेडीज़ में जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है, स्किन पे जो पोर्स आ जाते हैं ये उसे भी कम करता है। तो टमाटर का रस इसमें मिक्स करने के बाद दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो आप इसे अपने फेस में मत लगाइएगा। इसके अलावा आप अपने हाथों पर, पैरों पर, फिंगर्स के जो नकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है वो आपकी स्किन क्लीन हो जाए तो आप 15 दिन में या 7 दिन में एक बार इसे कर सकते हैं। अपनी स्किन को पहले अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर कीजिएगा, जो भी क्लिंजर आप यूज़ करते हैं, रोज़ वाटर से कर लें, दूध से कर लें, वैसलीन सिंपल है अगर उससे कर लें, या कोई भी आपके साथ मॉइस्चराइजिंग आपके पास लोशन है आप उसे भी लगा सकते हैं। ये स्टेप जो है ना क्लिंजिंग का आपने इससे मिस नहीं करना, ज़रूर आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन की क्लिंजिंग करनी है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, प्रेप हो जाए, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र आ जाए, तो जब आप पैक लगाएं तो ये फ़ौरन से वर्क करे और एकदम से आपकी स्किन जो है ना वो साफ़ हो, और उससे जितनी भी गंदगी है, ब्लैकनेस है, उस पर जितनी भी डार्कनेस आ चुकी है वो सारी निकल जाए। तो इससे मैंने ना अच्छी तरह से अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद स्किन पे लगा लिया था, पैरों पे, हाथों पे, आप इसे आसानी से इस तरह से लगा के तो घर पर ही बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में जो है वो आप अपना मैनीक्योर पेडीक्योर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है आपने अपने पाँव और हाथ साफ़ नहीं किए, तो इससे जब आप लगा लें तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने ज़रूर इसका मसाज करना है। जब एक बार स्किन में ऑब्जर्व हो जाए तो दोबारा लगाइए और दोबारा इसके मसाज कीजिए। उसके बाद आप पानी जो है ना वो जितना आप नीम गर्म सा ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, और उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से डिप करके बैठ जाएं। फिर उसके बाद आप अपनी स्किन को किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ के या ब्रश से रगड़ के साफ़ करें, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से स्किन को वॉश करें,
कोई भी आपको सोप या क्लिंजर या जो लिक्विड वॉश है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन आपकी एकदम से इस तरह से ब्राइट हो जाएगी, साफ़ सुथरी नीट हो जाएगी। अक्सर मुझे ये कमेंट में कहा जाता है कि मेरी स्किन यानी आपकी स्किन तो ऑलरेडी बहुत फेयर है, तो ऐसा नहीं है। सबका अपना स्किन टोन होता है, अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत ही खूबसूरत रंगत दी है, लेकिन जब आप रेगुलर अपनी स्किन केयर करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो नेचुरली आपकी स्किन पर ग्लो आता है। स्किन टोन मैटर नहीं करता, आपका जो स्किन की सेहत है, स्किन की सफाई है, उसकी नीटनेस है, वो मैटर करती है। तो आप भी विजिबल रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में कितना डिफरेंस है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।